It is okay to be scared. It is okay to cry. Everything's okay, but giving up should not be an option. They always say that failure is not an option. Failure should be an option because when you fail, you get up and then you fail and then you get up and that keeps you going. तो गाइज़ कैसे हो सब लोग हो यार होप यार सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बढ़िया हुए हैं यार बहुत जल्दी बढ़िया हो जाओगे पिछले कल सुबह मेरा रैंक एट चल रहा था एंड अभी भी उतने आसपास ही है थोड़ा नाइन चल रहा है आई थिंक लेकिन बीच में क्या सीन हुआ था माइनस पड़ गया था और वो माइनस भाई छोटा मोटा माइनस नहीं पड़ा था सेवेंटी के आसपास माइनस पड़ गया था मेरा सेवेंटी और एटी के करीब ठीक है वो मैं तुमको अभी दिखाता हूँ तो देखो ये कैरियर रिज़ल्ट खोल के दिखाता हूँ तुम्हें उसके बाद तो मैंने थोड़ा खेला है ढंग से उसके बाद थोड़े चिकन निकाले ट्रिपल चिकन भी किया है ये देखो सबसे पहले माइनस वन पड़ा उसके बाद माइनस ट्वेंटी थ्री उसके बाद भाई माइनस फोर्टी नाइन और इसमें से तो भाई एक गेम हैकर ने मार दिया था माइनस फोर्टी नाइन वाला उतरते ही ठीक है बारह की के डी वाला हैकर था अब उसके बाद भाई मैंने प्लस किया नाइन उसके बाद एक मैच पे हैश टैग टू पर देखो छः किल किए हैं एंड पाँच प्लस दे रहे हैं मतलब कोई शर्म है इनको कि नहीं है भाई पाँच प्लस छ किल के साथ भाई नहीं यार उसके बाद मेरा दिमाग ख़राब हो गया एंड हमने सीधे ट्रिपल चिकन निकाल दिया एंड मैक्सिमम जो माइनस था वो मैंने रिकवर कर दिया हालांकि अभी भी पूरा माइनस रिकवर नहीं हुआ है लेकिन दस बारह पॉइंट्स अभी बचते हैं तो कोशिश करूँगा उसको रात में रिकवर कर लूँ तो तुम लोग अपना बताओ तुम लोग क्या कर रहे हो आजकल कैसे खेल रहे हो गेम खेल रहे हो या नहीं खेल रहे हो या रैंक पुश कर रहे हो बता देना सब कुछ कमेंट्स में ठीक है मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ और आज के गेम प्ले में तुम तो लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है क्योंकि इनमें से भाई दोनों गेम प्ले में अच्छे अच्छे किल्स निकले हुए हमारे ठीक है तो देखो पहले गेम में क्या होता है कि मैं यहाँ पे आ रहा होता हूँ फेरी पेयर पे क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने इस बार दो तीन ड्रॉप लोकेशन बनाए हुए हैं उस वी वाली ट्रिक की वजह से ठीक है तो मैं यहाँ पे पहले मैच में फेरी पेयर पर पे आ रहा था एंड देखा कि यहाँ पर और कोई भी बंदा नहीं आया है अब जो फेरी पेयर जाता है उसे पता है कि भाई गाड़ी कहाँ मिलती है ठीक है एंड मैं लूट करने के बाद यहाँ पर आ गया गाड़ी लेने एंड उतने में मुझे एक गाड़ी सामने से आती हुई दिख जाती है डासिया तो मैं पेड़ के कवर में ही बैठा रहता ये देखना भाई ये क्या नशे यहां पे करेगा इसीलिए मुझे भी डासिया पसंद नहीं है यार मतलब सबसे एक बार के लिए मैं बगी ले लूंगा यार पर डासिया बहुत मतलब घटिया लगती है क्योंकि वो पलट जाती है यार कहीं पे भी मतलब थोड़ी थोड़ी सी भी हो तो भाई वो टेडी मेडी हो जाती है और जिस वजह से इस बंदे को यहां पे हमने इजीली किल कर दिया एंड पहला किल हमारा यहाँ पे निकल गया इसको मैं लूटता हूँ उसको लूटने के बाद आ जाता हूँ भाई मैं यहाँ स्कॉड हाउस में एंड स्कॉट हाउस में कभी भी मतलब तुम आते हो ना तो गाड़ी अंदर मत लगाया करो उससे पता क्या होता है अगर कोई बंदा वहाँ पे आएगा तो उसे पता लग जाएगा कि बंदा ऑलरेडी है तो मैंने बग्गी यहाँ पे पीछे लगा दी एंड मैं यहाँ पे कैंप करने वाला था लेकिन मैं ऊपर नहीं जा पाया उतने में ही गाड़ी की साउंड मुझे आ जाती है तो देखना इस गाड़ी वाले ने भी सोचा यहाँ कोई नहीं है तो देखो तो देखो अभी तो मैंने कैंप ऊपर करना था लेकिन मैंने सीढ़ी पर ही करा अब अगर मैंने बग्गी अंदर लगाई होती है अपनी तो भाई ये बंदा समझ जाता कि अंदर बंदा है एंड ये बंदा यहाँ पे रुकता ही नहीं लेकिन मैंने अपनी बगी पीछे लगाई थी जहाँ पर इस बंदे ने नहीं देखी एंड ये बंदा भाई सोच रहा था कि कोई भी नहीं है एंड अपनी बगी पार्क कर रहा था एंड हमने इसको पेल दिया तो गाइज़ इसको मैं अभी लूट ही रहा था कि मुझे फायरिंग की आवाज़ आती है ऊपर से जहाँ पे वो एक कंपाउंड होता है ना दो दिन घर वाला बंदा किसी से छुप रहा था ठीक है उसको तो मैंने मार दिया लेकिन जिससे छुप रहा था अब मैं उसके ऊपर ध्यान रखूंगा कि मैं उसको देख रहा था कि कहीं वो बंदा भी इधर ना आए तो उतने में ही मुझे एक बाइक आती हुई दिख जाएगी एंड देखो बाइक तो बाइक कभी मत लेना बाइक से उतारना बहुत आसान होता है बाइक से तुम बहुत इजीली उतर जाते हो क्योंकि इसमें कोई भी कवर नहीं होता तुम्हें तुम्हारी बॉडी पूरी ओपन शो हो रही होती है ठीक है अब क्या होता है देखो एक बंदा आ जाता है मेरे यहाँ पे जो सामने शैक है ठीक है ये हैकर है आई थिंक सो ठीक है क्योंकि इसने एक मैच में, में मेरा माइनस लगवाया था अब देखो इसके साथ क्या सीन होता है अब पता नहीं यही था सेम नाम था लेकिन उसका ऐसा ये नेम देखना बहुत से बंदों का है ऐसा नेम अब मैं कंफर्म नहीं बोल सकता कि वो यही है करे या नहीं ठीक है अब मैं यहाँ से नेट करने की ट्राई कर रहा था लेकिन भाई ये इस जगह से तो वहाँ तक नेट पहुँचेगा ही नहीं तो मैं सोचता हूँ क्यों ना भाई मैं नीचे जाके नेट ट्राई करूँ तो नीचे जाके मैं यहाँ पे एक नेट कुक करता हूँ ठीक है एंड पहला नेट जो होता है ये मेरा बहुत गलत होता है क्योंकि मैंने ढंग से नहीं किया था देख के भी नहीं किया था लेकिन दूसरा वाला नेट मैं बिल्कुल एकदम एंगल पे फेंकूँगा एंड इस बार ये बंदा नहीं बचेगा तो देखो बूम बाम यहाँ पे फट गया ठीक है अब यहाँ पे हो जाते हैं हमारे पांच किल अभी देखो सामने जो घर है जो मैंने अभी दिखाया था वहाँ पे एक बंदा है स्नाइपिंग कर रहा है ओम वाला है वो ठीक है तो मैं बिल्कुल भी उसके लिए पीक नहीं दे रहा था बहुत देर से वो मेरे पे मतलब उकसा रहा था मुझे सिंगल सिंगल फायर दे के दूसरी गन के मुझे किसी के भागने के फुट स्टेप्स आ जाते हैं देखो इसको मैंने काफ़ी डैमेज तो दिया लेकिन देखना अब मैं जैसे इसको मारने के लिए अंदर पहुंचूंगा इसका यहाँ पे ओम से किसी ने मार दिया किसी ने नहीं जिसकी मैं बात कर रहा था पीछे वाले नहीं मारा इसको ठीक है तो ओम से ये बंदा किल हो गया तो अब छोड़ो इसको इसका किल तो भाई निकल गया क्या कर सकते हैं अब मैं आ जाता हूँ वहाँ से इस चेक में जिस जहाँ पर कि मैंने बंदा मारा था ठीक है इसको लूटता हूँ और आगे एक स्मोक हुआ होता है अब मैं समझ जाता हूँ वहाँ से बंदा आ तो अभी तो ये स्मोक में आके बच जाता है लेकिन भाई जोन इसलिए नहीं था अब यार किस्मत खराब थी कि जोन मेरे पे नहीं था एंड यही सबसे बड़ी गलती यहाँ पे हो जाती है अब भाई गलती क्या होती है ना मुझे बग्गी पूरी लेफ्ट में ठोकनी चाहिए थी वहाँ से ठीक है उधर से अंदर तब मैं घर के अंदर से जा सकता था लेकिन मैंने अपनी बग्गी बग्घीपूरी उस पर ठोक दी जो मतलब रेलिंग टाइप लगी थी एंड जिस वजह से कि भाई इस बंदे ने मुझे मार दिया एंड जो कि बहुत गलत सीन हो गया अब दूसरे गेम प्ले की बात करते भाई यहाँ पर मैं आ रहा था स्कूल पर अब देखो स्कूल पे भाई पहले तो मुझे लगा बंदे आ रहे हैं लेकिन वो मुड़ गया ठीक है एक बंदा आ रहा था वो मुड़ गया पीछे वाले कंपाउंड की तरफ तो भाई जोन बना था रोइंस वाली तरफ ठीक है तो वहाँ से आ गया मैं लूट करके स्कूल पे कोई भी नहीं मिला ठीक है एंड ड्रॉप भी मैंने अभी तक लूटा नहीं था एंड वहाँ से मैं आ जाता हूँ इस वाले चर्च में क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई नहीं आया था तो मैं अपनी बगी सबसे पहले तो सेव करता हूँ अब ऊपर एक बंदा कहीं से फायर दे रहा था वो जो बंदा था वो इस बगी वाले को फायर दे रहा था एंड ये बगी वाला यहाँ पे नीचे आके ठुक गया ठीक है तो इसका किल तो किसी को नहीं मिला ये खुद ही मर गया अब सामने मेरे ड्रॉप होता है ठीक है जिसपे मैं स्मोक करता हूँ एंड इसको लूटने जाता हूँ सबसे पहले तो तो जब मैं ड्रॉप लूट रहा था मुझे भाई किसी ने पीछे से एम मारी ठीक है अब मैं देख रहा था कि वो बंदा कहाँ पे एंड मुझे वो दिख जाता है मैंने स्कारल का स्कोप बड़ा किया एंड इसको यहाँ पे हेड चोट से यहाँ पे ले लिया ठीक है क्योंकि स्कारल का एम एस तो पहले ही तगड़ा होता है ऊपर से भाई सिक्स एक्स तो भाई क्या ही बोलें अब देखो यहाँ पे एक बगी वाला जा रहा होता है सामने इसको थोड़ा सा डैमेज मैंने पहले भी दिया था लेकिन लगा नहीं था यहाँ पे भी ये बच गया मैं काफ़ी रहा हूँ यहाँ पे स्प्रे में लेकिन इस बार नहीं ठीक है तो यहाँ पे अपने तीन किलो जाते हैं इस बंदे के साथ ही अब देखो यहाँ पे जब मैं लेटूंगा ना अब तुम्हें यहाँ पे एक हवा में नेड़ आता वो दिखेगा देखना देखो ये नेड़ इसने अगर कुक करके मारा होता ना तो मैं शायद यहाँ पे फट सकता था लेकिन इसने कुक करके नहीं मारा एंड में मुझे ये दिख जाता है सामने पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया कि भाई मेरे पास इतने नज़दीक से नेड़ मारा किसने ठीक है तो मैं समझ ही नहीं पाया पहले तो लेकिन फिर दिख जाता है एंड इसको हम मार देते हैं अब वहाँ से मुझे निकलना पड़ता है भाई जोन में लेकिन यहाँ पे एक बहुत गलत सीन हो जाता है ठीक है मुझे यहाँ पे आके गाड़ी रोकनी पड़ती है एंड इस बंदे ने मुझ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया था इससे पहले कि मैं हेल्थ किट अब नहीं पूरी लगा पाता भाई इस बंदे ने रश भी कर दिया मेरे पे लेकिन भाई हमने इसको यहाँ पे मार दिया ठीक है मेरी एच काफ़ी लो थी लेकिन फिर भी चलो किल कर दिया अब पीछे भी बंदा था मेरे तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो नेट कर देता हूँ एक पहले से ही ताकि अगर बंदा आए तो फूट जाए एंड मुझे यहाँ पे हेल्थ किट लगाने का टाइम मिल जाए अब भाई उस पर मैं एक नेट करता हूँ कि भाई स्मोक में अगर फटेगा तो अच्छी बात है एंड यहाँ पे मैं फ़ाइट नहीं लेना चाहता क्योंकि जोन यहाँ से निकल निकलने वाला है देखो जोन चल पड़ा है एंड मुझे यहाँ पे बगी मिल जाती है एंड मैं इस दूसरे वाले बंदे की बगी उठा के यहाँ से भाग जाता हूँ अब देखो यहाँ पे एक पैदल बंदा दिख जाता है मुझे ठीक है पैदल भाग रहा होता है इसको मैं कुचलने की ट्राई तो करता हूँ लेकिन कुचल नहीं पाता हूँ अब मैंने सोचा भाई छोड़ो क्यों इसे पंगे लेने फालतू में कहीं इसने डैमेज वगैरह दे दिया हेड शॉर्ट मार दिया तो दिक्कत हो सकती है जोन में निकलो चुपचाप तो मैं जोन में निकलता हूँ अब देखो जोन में पहले तो मैं एक सेफ एरिया ढूंढ रहा था जो कि मुझे मिल नहीं रहा था ठीक है अब देखो यहाँ पर मुझे एक पत्थर मिलता है एंड वो सामने बंदा दिखता है जो पैदल भाग रहा था ठीक है मैं उतरते इसको मारता हूँ एंड फिर से बग्गी लेके यहाँ पर बैठ जाता हूँ एंड फिर मैं सोचता हूँ कि भाई जहाँ से मैंने उस बंदे को मारा था वो थोड़ी देर के लिए तो सेफ ही है ठीक है क्योंकि यहाँ पर कोई और बंदा नहीं है सारे बंदे सामने होंगे तो मैं यहाँ से किल्स भी निकाल सकता हूँ एंड होता भी कुछ वैसा ही है मुझे यहाँ पर एक बंदा स्पॉट हो जाता है सामने जो कि पता नहीं भाई कहाँ पे लेटा था ये बंदा मतलब घास में लेटा था या कहीं पे भी लेकिन हमें दिख जाता है हम इसको इजीली कल किल कर देते हैं एंड भाई इस गेम में भी सीन ख़राब ये हो जाता है कि भाई जोन मेरे पे नहीं बनता है अब मैं देखता हूँ भाई जोन में तो निकलना पड़ेगा क्योंकि जोन आ गया था अब मुझे सामने एक झोंपड़ी दिखेगी जहाँ पर कि कोई गाड़ी लगी नहीं थी तो मैं समझ लेता हूँ कि भाई वहाँ पर कोई नहीं है एंड मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ लेकिन जैसे ही मैं नजदीक जाता हूँ भाई सीन हो जाता है जैसे ही मैं उतरा था ना मुझे कुछ फुट स्टेप्स तो आए थे लेकिन भाई उतने उस टाइम में उतना तैयार नहीं था एक होता है ना बंदा रेडी होकर जाता है कि चलो अब फाइट लेनी है सामने वाले पे लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि सामने बंदा एंड लास्ट में एकदम पता लगा तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया एंड मैंने डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा दिया लेकिन भाई पता नहीं बंदा मरा नहीं छोड़ो जो भी हो यहाँ पे हमारे दोनों गेम में इसमें तो चिकन नहीं हुआ लेकिन हमने ट्रिपल चिकन किया अब मैंने चिकन वाले गेम प्ले क्यों नहीं डाले यार क्योंकि वो उतने कुछ खास बने नहीं थे ठीक है क्योंकि अब मुझे उसमें तीन एक में तो तीन किल था दूसरे में भी तीन किल था एंड तीसरे में पता नहीं क्या सीन था तो चिकन वाले गेम प्ले अच्छे नहीं बने थे इसीलिए मैंने भाई ये वाला गेम ये वाले दोनों गेम प्ले डाले होप तुम लोगों को पसंद आए होंगे चैनल पे पहली बार यार सब्सक्राइब मार देना लाइक भी करके जाना लाइक एम रखते हैं भाई वन वन के लाइक के लिए पिछली बार की तरह भाई इस बार भी करवा देना ठीक है एंड भाई इंस्टाग्राम पर भी तुम लोग आ सकते हो वहाँ पर भी मस्त मस्त वीडियोज़ डालता रहता हूँ कोई दिक्कत हो तो भाई वो भी लिख के भेज देना और और क्या भाई अगले सीजन क्या करना है यार मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई अगले सीज़न भी सोलो रैंक पुश करें या फिर कुछ और करें कुछ फ़िलहाल तो समझ आ नहीं रहा है देखते हैं भाई क्या बनता है अपना ओपिनियन भाई तुम लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हो कि भाई अगले सीजन हमें क्या करना चाहिए और बस यही था आज की वीडियो में थोड़ी सी पॉपुलैरिटी और भेज दो यार थैंक यू सो मच जिस जिसने भी भेजी वन पॉइंट वन मिलियन होने वाली है ठीक है तो थैंक यू सो मच तो यही था आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड बी सेफ